हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बिल्बी नाम के एक डेजर्ट रैबिट की कहानी जो ऑस्ट्रेलियन आउटबैक में सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और अचानक उस पर एक बेबी बर्ड को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो चलिए देखते हैं इस एक्साइटिंग सी स्टोरी को। तो मूवी ऑस्ट्रेलिया में बने एक रेगिस्तान से शुरू होती है जहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही हार्श है और अच्छे अच्छे एनिमल्स यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। ऐसे हैबिटेट में खाना ढूंढना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर मिल भी जाए तो बड़े और शक्तिशाली एनिमल्स उसे हथिया लेते हैं। यही हम बिल्बी नाम के एक डेजर्ट रैबिट को देखते हैं जो डेजर्ट में अपने लिए खाना ढूंढने गया था, लेकिन इस चक्कर में उसके पीछे एक खतरनाक लिजर्ड पड़ जाती है। बिल्बी उसे बचने के लिए पूरी स्पीड से भागता है जिससे उसके हाथ में पकड़ी हुई बेरीज नीचे गिरने लगती है, लेकिन फिलहाल तो उसे अपनी जान की चिंता थी। वो उस लिजर्ड से बचने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन वो एकदम से उसके काफी करीब आ जाती है और इससे पहले कि वो बिल्बी को अपना खाना बना पाए बिल्बी अचानक से ब्रेक लगा लेता है और वो लिजर्ड आगे एक झाड़ी में क्रैश हो जाती है। बिल्बी ये देखकर चैन की सांस लेता है और भागते हुए पत्थर के नीचे बनी अपनी गुफा में चला जाता है। वो देखता है कि लिजर्ड अभी भी उसे ढूंढ रही है और उसे ना पाकर वहाँ से आगे चली जाती है। बिल्बी अपना लाया हुआ सारा खाना खा लेता है लेकिन इससे उसकी भूख जरा भी शांत नहीं होती और तब वो गुफा से बाहर अपनी बची हुई बेरीज को लेने आता है। जल्दी जल्दी वो उन्हें कलेक्ट करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि लिजर्ड के जैसे यहाँ और भी शिकारी हैं जो पल भर में उसे अपना खाना बना लेंगे। तभी अचानक उसे एक ठोकर लगती है और वो देखता है कि ये तो एक छोटा सा बेबी बर्ड है जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। बिल्बी आसमान में उसके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता और तब वो जाते जाते उस बर्ड को सीधा कर देता है, लेकिन वो बर्ड एक बार फिर गिर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। बिल्बी उसे शांत रहने को बोलता है और यहाँ उसकी नजर उस बर्ड के फेस पर पड़ती है जो दिखने में बहुत ही मासूम लग रहा है, लेकिन बिल्बी इस पंगे में नहीं पड़ना चाहता था और वहाँ से चला जाता है। हम बर्ड को भी उसके पीछे जाते हुए देखते हैं लेकिन बिल्बी उसे ऐसा करने से मना करता है और अपने और उसके बीच एक लाइन खींच देता है। फिर वो उसे एक बेरी देकर वहाँ से जाने लगता है लेकिन देखता है कि एक स्नेक उसे खाने आ रहा है। वो जल्दी से उसे स्नेक से दूर ले जाता है और लाकर एक पत्थर पर बिठा देता है। उसे लगता है कि शायद ये जगह उसके लिए सेफ रहेगी, लेकिन वहाँ भी कुछ स्कॉर्पियंस उसे अपना शिकार बनाने आ जाते हैं। इधर कुछ बीटल्स बिल्बी का खाना चुराने लगते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपना खाना बचाए या जाकर उस बर्ड को प्रोटेक्ट करे। फाइनली वो उस बर्ड को बचाने जाता है और देखता है कि सामने एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है। इस बार वो उस बर्ड को उस पेड़ में छोड़ने की सोचता है लेकिन वहाँ कुछ फॉक्स उसके पीछे पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस बर्ड को कहाँ छोड़े क्योंकि हर जगह कोई न कोई एनिमल उसे अपना खाना बनाना चाहता है। एक एक करके वो सब जगह ट्राई करता है लेकिन कहीं पिरानास, कहीं दूसरे बर्ड, कहीं क्रोकोडाइल्स तो कहीं शार्क, हर कोई उन्हें मारने की ही सोचता है। नेचर से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती और ऐसा लगता है जैसे बिल भी अब हार मानने वाला है क्योंकि वो इस बर्ड को बचाते हुए पूरी तरह थक चुका था। इसी तरह भागते हुए वो दोनों एक पहाड़ी पर आते हैं जहाँ आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल भी यहाँ थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि फाइनली वो उन सब एनिमल्स को पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन अभी भी उसे बर्ड के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी थी। तभी अचानक नीचे से एक तेज हवा का झोंका आता है और वो दोनों कुछ देर के लिए हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर बिल्बी को रियलाइज होता है कि ये बेबी तो आखिर में एक बर्ड है और उसके लिए सबसे सेफ जगह आसमान ही है। वो एक बार फिर उसे उस हवा में उड़ाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि अब शायद ये उड़ना सीख गया है। बर्ड भी इस बात से बहुत एक्साइटेड होता है लेकिन इस बार जैसे ही बिल्बी उसे उछालता है एक वाइट ईगल झपट कर उसे अपने साथ ले जाती है और बिल्बी ये सब देखता रह जाता है। उसे उस ईगल पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं इस बर्ड को बचाने के लिए सुबह से लगा हुआ हूँ और तुम इस तरह मेरी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती। तभी वो देखता है कि ईगल घूमते हुए पहाड़ी के नीचे ही आ रही है और वो बर्ड को बचाने के लिए उस पर जंप लगा देता है। वो उस ईगल को बहुत मारता है और इसी चक्कर में वो बर्ड उसके पंजों से छूट जाता है। बिल्बी भी उसे गिरते हुए देख लेता है और ईगल को छोड़कर बर्ड के पीछे जंप लगा देता है। जल्दी ही वो उस बर्ड को पकड़ लेता है जो बिल्बी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग बहुत ऊंचाई से गिर रहे थे जहाँ नीचे गिरते ही उनका मरना एकदम तय था। बिल्बी उस बर्ड को उड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी इसके लिए बहुत छोटा था और ये देखकर बिल्बी उसे उछालकर उस हिल पर फेंक देता है लेकिन खुद को नीचे गिरने से नहीं रोक पाता।
बर्ट को भी उसकी चिंता होने लगती है क्योंकि वही था जो सुबह से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और रब वो दोनों एक फैमिली की तरह थे। तभी वो देखता है कि नीचे से फिर वो तेज हवा आ रही है जो बिल्बी को भी अपने साथ ऊपर ले आई है और इस तरह वो भी सेफली उस हिल पर पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और बिल्बी देखता है कि वो बर्ड अब उड़ना सीख गया है। जल्दी ही काफी टाइम बीत जाता है जहाँ वो बेबी बर्ड अब बड़ा हो चुका है और अभी भी वो और बिल्बी एक साथ रहते हैं। उन्होंने उस हिल को ही अपना नया घर बना लिया है जहाँ अब उनके पास ढेर सारा खाना है।